वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और उसके बाद में सॉल्यूशन को निकालते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - tan² θ बाई 1 + tan² θ इज इक्वल टू cos² A - sin² A और नोट इतना इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि हम जो भी पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने ABC बना रखा है। तो इसमें देखिए आप और समझिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये है। तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा, cot A इज इक्वल टू 4/3 एंड वी नो डैट cot इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, सो B/P। तो हम यहाँ पर देखें क्या, हमारा B इज इक्वल टू 4 है, P इज इक्वल टू 3 है। सो हम एंगल A से अगर देखते हैं तो हमारा बेस क्या हो जा रहा है, एंगल A से जब देखें तो बेस हो जा रहा है 4 यूनिट और परपेंडिकुलर जो हो रहा है वो हो जा रहा है 3 यूनिट्स यहाँ से यूनिट। उसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पूरा साइड का पता होना जरूरी है। तो हमको ए भी पता है, बी सी पता है, तो हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी जो है ये राइट एंगल के सामने है, तो राइट एंगल के सामने है इसका मतलब कि इसमें पाइथागोरस थियरम हम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम हम क्या देखेंगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर देखिए चाहिए AC, तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर, मतलब AB इज इक्वल टू 4 cm, सो 4 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 3 cm, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √16 + 9 विच इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5, यानी 5 यूनिट्स हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब यहाँ से पता चल गया ये 5। अब हम सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको LHS को सोल्व करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे और देखेंगे इक्वल है या नहीं। तो जब हम LHS की तरफ आते हैं, LHS सोल्व करते हैं, तो हमारे पास है 1 - tan² A / 1 + tan² A। जैसे ही हम इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 1 - वी नो डैट tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट 3, सो 3 और बाय बेस इज इक्वल टू व्हाट, बेस इज इक्वल टू 4, सो 4 एंड स्क्वायर एंड अपॉन 1 + सेम परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 3/4 स्क्वायर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी फाइंड दैट 1 - 9/16 / 1 + 9/16, सो आफ्टर इट्स वी गेट दैट्स 16 - 9/16 एंड 16 + 9/16, सो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 and 25। यहाँ पर 7 and 25 ये आपका फर्स्ट नंबर का LHS आया। अब हम देखते हैं RHS क्या है। सो RHS को जैसे ही हम सोल्व करने जाते हैं तो देखते हैं RHS में हमको दिया हुआ है cos² A - sin² A। ठीक, हम जानते हैं cos इज इक्वल टू B/H, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस एंड sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो बेस एंगल A से देखें तो एंगल A से तो बेस हमारा है AB, सो AB इज इक्वल टू 4 एंड बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि 3/5 का स्क्वायर। सो जैसे ही हम आगे बढ़ें तो हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, 16/25 - 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। तो हियर वी फाइंड दैट LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज इक्वल।